एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर टू इज ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल्स टू बी सी एंड एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए सी फिगर प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी कोंगेंट ट्रायंगल बी ए सी। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रायंगल आपका ए बी डी, ए बी डी ये ट्रायंगल किसके कोंगेंट हमें प्रूव करना है, बी ए सी, बी ए सी ये दो ट्रायंगल हैं, एक तो ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को हमें कोंगेंट प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले हम लिखेंगे टू प्रूव, आपको पहले से पता है कि कोंगेंट से प्रूव करने के लिए हमें तीन चीज़ चाहिए होती हैं, या तो हमें साइड एंगल साइड पता चल जाए, या फिर एंगल एंगल साइड पता चल जाए, या फिर आर एच एस और ट्रिपल एस। ठीक है जी, इन चारों में से अगर एक चीज़ हमें पता पड़ जाती है तो हमारा ये कोंगेंट प्रूफ हो जाता है। तो हम सबसे पहले इन दो ट्रायंगल के अंदर देखेंगे ए डी एंड बी सी, ये ऑलरेडी आपको गिवन है, एंड एक एंगल ये वाला एंगल बी ए डी और एंगल ए बी सी ये दोनों गिवन है। नेक्स्ट है आपके पास ए बी, ये कॉमन हो जाएगी कॉमन साइड, सो वी कैन प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी इज कोंगेंट ट्रायंगल ए बी सी। तो टू प्रूव ट्रायंगल ए बी डी इज कोंगेंट ट्रायंगल बी ए सी, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ, हम इन्हीं दोनों ट्रायंगल के अंदर देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल बी ए सी, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर देखेंगे हमें जो चीज़ गिवन है उसे पहले नोट कर लेंगे, क्या क्या गिवन है, ए डी इक्वल्स टू बी सी एंड एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल कौन सा सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एंड ये वाला एंगल भी आपको गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ए बी डी एंड बी ए सी के अंदर। अब हम देखेंगे कि ए बी जो लाइन है, ए बी लाइन सेगमेंट दोनों ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है और इस ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, तो ये आपका लाइन सेगमेंट क्या होगा, कॉमन, ए बी इक्वल्स टू ए बी हम इसको लिख सकते हैं कॉमन। हमें तीन चीज़ पता पड़ गई, एक ये साइड एक ये साइड एक एंगल, तो हमारा ट्रायंगल ए बी डी विल बी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बी ए सी, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाय एस ए एस रूल से। और जब आपके पास ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो हम सेकंड पार्ट इसका इजीली हम बता सकते हैं कि बी डी इक्वल्स टू ए सी, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी हमेशा इक्वल होते हैं, तो ये भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं बी डी ये एंड ए सी, इस लाइन इस ट्रायंगल के अंदर आपका ए सी आ रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर आपका बी डी आ रहा है, तो ये आपस में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। नेक्स्ट इज थर्ड, थर्ड इज एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, ए बी डी कौन सा है, ए बी डी आपका ये वाला एंगल, इतना ये एंगल किसके इक्वल प्रूव करना है, बी ए सी, बी ए सी ये ट्रायंगल, ये एंगल, ये आपका एंगल हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, तो ये इस ट्रायंगल के अंदर तो ये एंगल आ रहा है आपका, और इस ट्रायंगल के अंदर आपका ये एंगल आ रहा है, ये एंगल भी बाय सी पी सी टी से आपके कॉन्ग्रेट हो जाएंगे बाय सी पी सी टी। ओके, गॉट इट, हैंड्स प्रूफ।